इसे 9:30 का टाइम था और मेरी तरह जैसे मैं एक महीने बाद अब अपने हस्बैंड को देखूंगी, आप लोग भी एक महीने बाद ही अब मेरे व्लॉग में नहीं देखेंगे, क्योंकि आज जो है मेरे हस्बैंड वापस जा रहे थे, 15 डेज़ के लिए आए थे, पता भी नहीं चला 15 दिन कैसे गुजर गए और जाने का टाइम इतना करीब आ जाता है। शायद मेरे ख्याल से जो रिश्ते आपके बहुत करीब होते हैं ना, या जिनसे आपको बहुत मोहब्बत होती है, उनके साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता है, उनके साथ टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता यार। और जब वो जा रहे होते हैं ना तो इतनी उदासी हो जाती है ना, उनके बगैर दिल भी नहीं लगता। खैर मैंने उनकी पैकिंग की, उसके बाद मैंने कहा मैं उन्हें बिरयानी बना के खिलाती हूँ, और ये वो बिरयानी है जब मुझे झटपट बनानी होती है ना मैं बनाती हूँ, और बिल्कुल देगी वाली बनती है, कराची के स्टाइल वाली बिरयानी है ये। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने 800 ग्राम जो है चिकन डाला, उसके साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसे अच्छे से फ्राई किया। जैसे चिकन ने अपना कलर चेंज किया ना, 4 टमाटर थे और 3 हरी मिर्चें, दोनों चीज़ों को मैंने ना पेस्ट बना लिया था, वो वाला पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। इसे डाल के मैं थोड़ा सा भून लूँगी, साथ में मैं ये प्याज ब्राउन कर रही थी ये मैं दम पे डालूँगी। यहाँ पे मैंने इसके लवाजमात तैयार कर रखे हैं, पुदीने के पत्ते, टमाटर, और ये मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ है, साथ में आलू कट किए हुए हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जब वो जाएंगे ना हॉट शॉट्स और फ्राइज़ बना के दूंगी, इसलिए ये वाले सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूंगी, जिसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर, नमक, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 10 छोटी इलायची, 6 लौंग, 8 दाने काली मिर्च के बादियान के फूल, ये सारे साबुत गर्म मसाले मैंने इसमें ऐड किए। इसमें मैंने कोई बाहर का पैकेट का मसाला नहीं डाला, सिर्फ चिकन पाउडर डाला था। बाहर के लोग चाइनीज़ नमक डालते हैं, आप उसकी रिप्लेसमेंट में चिकन पाउडर डाल सकते हैं। साथ में मैंने वाला रायता बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिरयानी के साथ सिर्फ यही रायता खाते हैं, इसमें प्याज भी वो नहीं खाते, सिर्फ खीरा टमाटर। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम राइस लिए थे, उसमें मैंने नमक, काला ज़ीरा, तेज़पात और पुदीने के पत्ते डाल के ना उसे बॉईल करने रख दिया। 3/4 डन मैं इसे करूँगी, यानी 80% मैं गला लूँगी। यहाँ मसाले मैंने इसमें 1 कप दही डाली, इसको मैंने भुना, उसके बाद जो है मैंने इसमें 8-10 आलू बुखारे डाले। अच्छा ये वाली जो बिरयानी है ना, इसमें आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, यानी ना लिक्विडी टाइप रखना है, क्योंकि हम इसकी बिरयानी में ना नीचे कोरमा रखेंगे, तो अगर थिक मसाला होगा तो वो दम जब लगेगा ना तो सारा कोरमा जल जाएगा। बाहर की बिरयानी इसलिए रसीली होती है क्योंकि ना उनमें वो थोड़ा पानी रखते हैं कोरमे में, तो आपने इसी तरीके से रखना है। ये देखें इस तरीके से ना लिक्विडी टाइप, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी होना नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये पुदीने के पत्ते, 1 टमाटर और ब्राउन प्याज। अब आप कहेंगे मैंने मसाला बनाते हुए प्याज नहीं डाली, नहीं, इस बिरयानी में बिल्कुल प्याज की ज़रूरत नहीं है, और बाहर वाले डालते भी नहीं हैं, सिर्फ दम पे ब्राउन प्याज डालते हैं। खुशबू के लिए मैंने ये मसाला पीसा था, जिसमें 6 लौंग और 8 हरी इलायची, इन दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया था, वो वाला मसाला डाला, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और उसके बाद जो है जिस पानी में मैंने राइस बॉईल किए थे ना, उसमें से मैंने 1/2 कप पानी निकाला, और उसमें मैं ये 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल के मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे 750 ग्राम राइस थे, जिसे मैंने 80% या 70% गला लिया था, वो वाले राइस ऐड किए। उसके बाद जो है इसके ऊपर मुझे मैंने 1/2 कप पानी, आपको बताया था ना केवड़े वाला जो पानी मैंने चावल बॉईल करते वक्त यूज़ होता है, वो बचाया था, वो डालना हो तो उससे बड़ा अच्छा जायका आता है। और बहुत से लोग मुझसे बिरयानी कलर का पूछते हैं कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये इटालियनो का बिरयानी फूड कलर आता है, ये वाला कलर मैं यूज़ करती हूँ, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैंने ख़ुद भी कराची से लिया था इम्तियाज़ से। यहाँ पे मैंने कहा कि जितनी देर बिरयानी को दम लग रहा है ना, जो मैंने अपने हस्बैंड को ट्रैवल के लिए हॉट शॉट्स देने हैं ना, उसको मैं कच्चा पक्का करके ना रख लेती हूँ, फिर जब वो जाएंगे तो फिर मैं उन्हें पूरा प्रॉपर फ्राई कर दूँगी, क्योंकि जाना तो उन्हें रात में है। तो इस तरह होता है कि आप इन्हें ना 50-60% जो है वो फ्राई करके निकालो, जब आपने दोबारा सर्व करना हो तो फिर आप इन्हें दोबारा फ्राई कर लो, उससे कोटिंग भी बड़ी क्रिस्पी आती है और बड़े मज़े के लगते हैं। रेसिपी मैंने ऑलरेडी दी हुई है, इसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और आज वैसे ही मेरे पास बहुत काम था, इतनी रेसिपी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था, लेकिन बिरयानी की रेसिपी मुझे ऐसी लगी कि बड़ी झटपट वाली बिरयानी है, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। और ये आप बिरयानी को देख सकते हैं, वाह वाह क्या बिरयानी बनी है, एक दफ़ा मेरे कहने पे आज ये वाली बिरयानी बनाए, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी कोई मज़ेदार बिरयानी बनती है, फुल देगी स्टाइल की, और बिल्कुल भी कोई इसमें झंझट नहीं है, बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से जो है ना वो बन जाती है। और यहाँ पे बस जब मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं ना, तो वो बस अपनी ये गाड़ी पे कपड़ा और सारी चीज़ें पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अलावा वैसे भी कोई गाड़ी घर में यूज़ करता नहीं, उनका कोई और भाई तो है नहीं, और अभी फ़िलहाल मुझे भी इतनी गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो मैं भी यूज़ नहीं करती, तो इसलिए फिर वो सब चीज़ें बंद करके चले जाते हैं।
पर अगर मैं आपको बताऊँ ना, बीवी के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब शौहर जा रहा होता है। मैं कहती हूँ बाकी सब लोग एडजस्ट कर जाते हैं, किसी को इतना फील नहीं होता जितना एक बीवी को फील होता है। मैं कहती हूँ हस्बैंड होना होना बीवी के आसपास तो उसकी लाइफ बहुत इफेक्ट होती है, मेरी तो बहुत होती है। जब मेरे मियाँ जाते हैं मुझे उनकी बहुत याद आती है। शायद आपको मेरी वीडियो में इतना पता ना चलता हो, लेकिन मैं बहुत उनकी कमी जो है पर्सनली फील करती हूँ। खैर, उसके बाद जो मैंने खाना लगा दिया था, और इस केक से कौन वाकिफ नहीं है, ड्रीम केक जितनी इसकी हाइप है ना, मेरे ख्याल से हर बंदे ने इसे खाया होगा। किसी को ये बहुत अच्छा लगा और किसी को नहीं लगा। मुझे, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है वाला केक, मुझे फाइका ने भेजा था, और जब भी ये मंगवाती है ना लाहौर से तो मुझे ज़रूर देती है और मुझे बड़ा पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का, अब शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बज रहे थे उनकी, 7:30 बजे की सीट थी वापस कराची की, तो मैं उनका बस खाना पैक करके दिया यहाँ पर उन्हें। और पीछे उनको ना मैंने फ्राइज़ रखे हुए थे, मैंने कहा जब वो जाने लगेंगे ना तब मैं पैक करके दूंगी उन्हें। तो उनकी नज़र पीछे फ्राइज़ पर ही थी और मैंने वही खाने से रोक रही थी। मेरे हस्बैंड को फ्राइज़ ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनके लिए बना देती हूँ। हाँ जी, जबकि मुझे पता होता है मेरे हस्बैंड एक महीने बाद आ जा रहा है दोबारा, लेकिन फिर भी मैं इतनी उदास हो जाती हूँ ना, शायद नेचुरल है इसलिए। तो खैर, बस यही व्लॉग था फ़िलहाल। तो इस व्लॉग को मज़ीद कुछ मुझसे कंटिन्यू होगा नहीं, और बस मुझे ना बड़ी कमी फील होती है अपने मियाँ की। वो तो आपको मेरी आँखों से ही पता चल जाएगा। और अभी अभी वो गए हैं ना रह के, 15 डेज रह कर, तो थोड़ा थोड़ा भी रूटीन में आने में ना टाइम लगेगा, लेकिन जो है इंसान आदि हो ही जाएगा। खैर, एक महीना फिर कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलता। अभी मैं रूम में देख के ही सोची थी, इतना खाली खाली हो गया ना, देखे बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। वरना मेरे हस्बैंड यहीं बैठे रहते हैं वो सारा दिन, कभी साथ में मुझे पानी ले आओ, शेक ले आओ, लस्सी बना दो, आज खाने में बना लो। अभी मैं यही सोच ही कह रही थी कि जब भी रात होती है ना तो फुप्पो नहीं खाना खाती, जो दोपहर में बना होता है ना वो वही खा लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो मैं यही सोची थी कि वो भी होते ना मुझे कहते हैं फातिमा कुछ बना ले, कुछ खाने चलते हैं, तो शौहर की कमी ना फील होती है। अभी तो मेरी शादी को 1.25 साल हुए, 1 साल कुछ 2 महीने 3 महीने ऊपर हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ शौहर है ही ऐसे कि कमी फील होती है अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और शायद वीडियो देखने वालों को इतना पता नहीं चलता, लेकिन मेरे शौहर मुझे पता है और इसमें कोई झूठी तारीफ नहीं है। तो वो जाते हैं ना तो मुझे बड़ी कमी फील होती है। तो खैर, बस यहीं पर हम ब्लॉग को एंड करते हैं फिलहाल। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसे कंटिन्यू रखना। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।